दक्षिण अफ्रीका से फरार सहारनपुर वाले गुप्ता ब्रदर्स यूएई से हुए गिरफ्तार, जाने क्या है उन पर आरोप। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से फरार सहारनपुर वाले गुप्ता ब्रदर्स को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के शासनकाल में राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उनको इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया है। दक्षिण अफ्रीका ने खुद इसकी पुष्टि कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दक्षिण अफ्रीका जाकर गुप्ता ब्रदर्स ने छोटा सा कारोबार शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका जाकर गुप्ता ब्रदर्स ने पहले छोटा मोटा काम किया, फिर इन्होंने राजनीतिक संपर्क बनाए। जब अश्वेत सत्ता पर काबिज हुए तो गुप्ता ब्रदर्स ने खुलकर उनकी राजनीति का बिजनेस में इस्तेमाल किया। गुप्ता ब्रदर्स की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को भ्रष्टाचार के आरोप में 15 महीने की जेल हुई थी। आपको बता दें कि अतुल और राजेश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों का कहना है कि यूएई के साथ इन लोगों के प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत चल रही है। साल 2018 में एक न्यायिक आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में कथित रूप से संलिप्त की जांच शुरू करने के बाद गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका से भाग गए थे। उन पर बड़े राज्य अनुबंध जीतने और शक्तिशाली सरकारी नियुक्तियों को प्रभावित करने के लिए वित्तीय रिश्वत देने का आरोप है। सरकार ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के 9 साल के कार्यकाल के दौरान कम से कम 500 अरब रैंड यानी 32 अरब डॉलर की चोरी हुई थी। हालांकि अभी तक जैकब और गुप्ता बंधु आरोप से इनकार करते रहे हैं। यूएई द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ प्रत्यर्पण संधि की पुष्टि करने के एक साल बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि अतुल गुप्ता ने 1993 में दक्षिण अफ्रीका में सहारा कंप्यूटर्स की शुरुआत कर अपना साम्राज्य खड़ा करने की दिशा में पहला कदम उठाया था। शुरुआत में कारोबार बहुत छोटा था, लेकिन तीनों की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते पूरे दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता बंधु का कंप्यूटर कारोबार फैल गया। यही नहीं, जल्द इनकी कंपनी दक्षिण अफ्रीका की नंबर वन कंपनी बन गई। उसके बाद गुप्ता बंधुओं ने कोल और गोल्ड माइनिंग में भी हाथ आजमाया और साथ ही गुप्ता ब्रदर्स ने मीडिया क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका में न्यूज एज नाम से अखबार शुरू कर दिया। हालांकि सोमवार को यूएई में अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश हित न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।